अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बोबस किचन एंड लाइफस्टाइल में आपको वेलकम है। आज जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैं स्पेगेटीस बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी एक छोटी सी रेसिपी। मैंने स्पेगेटीस बॉईल कर ली है, ठीक है, और इसके लिए जो जो चाहिए होगा वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने चिकन लिया हुआ है 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है मेरा ये, यही मतलब मेरा बैलेंस रहता है, मतलब जो भी है। मैंने स्पेगेटीज हाफ से थोड़ी ज़्यादा मैंने बॉईल किया, मैंने पूरा पैकेट नहीं बॉईल किया, ये है इसलिए। अच्छा, अनियन मैंने एक बड़ा साइज़ का ले लिया है, कैप्सिकम मैंने बहुत बड़ी सी एक थी वो ले ली है, मैंने गाजर थी वो एक बहुत बड़ी सी वो मेरे पास वो मैंने ले ली है, बंद गोभी मैंने ली है हाफ थी, काफ़ी बड़ी सी थी इसलिए हाफ है। ये 3 स्टैक्स है मेरे पास स्प्रिंग अनियन के। ये जो अनियन वाला पोर्शन था वो मैंने पैन में ऑयल में 4 टेबल स्पून ऑयल में मैंने डाल दिए। इसके अलावा गार्लिक मैंने देखें पेस्ट बना के रखी हुई है, थोड़ा सा सॉरी पेस्ट कह रही हूँ, मैंने गार्लिक मैंने यहाँ पे ये चॉप कर लिया। इसको पेस्ट नहीं बनानी, इसको चंकी साइज़ को रखना है ताकि अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैंने सिरिराचा सॉस ली है चिली सॉस की बजाय, मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि उसमें ज़रा सिरका ज़्यादा होता है वो गले को लगता है, मुझे ये ज़रा अच्छी लगती है। और इसके अलावा मैंने सोया सॉस ली है, और साथ में मैंने 1 टीस्पून मैं लूँगी मेरे पास है ये चिकन पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में मेरे पास ये है जी 1 टीस्पून मेरे पास है वाइट पेपर, 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर, और ऑरिगैनो थोड़ा सा हम ऊपर सर्व करने के लिए डालेंगे, और सॉल्ट है आपका अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है, अब ये बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं लेट कर लेती हूँ अपना स्टोव को मीडियम करें रखेंगे इसकी, इसको हल्का सा सौते कर लेंगे अनियन। अच्छा, इस वक्त पे मेरी ये ऑयल की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसलिए अपनी ऑडियो म्यूट कर दी है। अच्छा, इस वक्त पे मैंने ये देखें कर दिया है लहसुन पेस्ट, इसमें ऐड कर दिया मैंने, जो मैंने हल्का सा क्रश किया हुआ था जो गार्लिक हमारा वो ऐड कर दिया मैंने इसमें, जैसे सौते हुआ अनियन। अच्छा, इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, साथ ही फिर मैं इसके साथ ही चिकन डाल दूँगी और चिकन को सौते करेंगे फिर। अच्छा, मैंने इसमें बंद गोभी अभी नहीं डाली, ऐड नहीं की अभी,
क्योंकि मैंने कहा था क्रंचीनेस उसकी ज़रा अच्छी लगती है। अच्छा अब ये बड़े अच्छा सा ये सौते भी हो गया है, तो मैंने इसमें एक टीस्पून भर के हीप मतलब मैंने चिकन पाउडर डाल दिए ताकि वो भी इसमें अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो अब मैंने नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर और सोया सॉस और चिली सॉस डाल दी हुई है और साथ में चिकन पाउडर। अच्छा अब मैं इस मौके पर मैं अब इसमें डालने लगी हूँ चिली गार्लिक सॉस, मैं एक टेबल स्पून डालूँगी। ज़रा उसका मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसमें, बड़ा रिच फ्लेवर आ जाता है। अगर आपको ज़रा टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मेरी तरह 2 टेबलस्पून कर लें आप, लेकिन वैसे अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें, मुझे तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अच्छा अब इस वक्त पे मैं ज़रा डाल रही हूँ साथ ही स्पेगेटी, बीच में ऐड करने लगी हूँ मैं। अच्छा आप बेशक थोड़ा थोड़ा करके करें लेकिन अच्छा सा करके ऐड हो जाए, अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए, मिक्सिंग अच्छी सी कर लें तो सारा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। खोलने क्योंकि मैंने बंद गोभी भी बीच में डाल रही हूँ। मेरे बिल्कुल थोड़ी सी डाली है मैंने, इतनी ज़्यादा नहीं डाली, अच्छा सा मिक्स कर लें। अच्छा ये देखेंगे इसकी फाइनल लुक है, जिसमें मैंने ऊपर स्प्रिंग अनियन भी डाल दी है डेकोरेशन के लिए और मैंने सर्विंग से पहले, और ये थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। ऑरिगेनो से ये है कि टेस्ट इतना मज़े का आता है, लाइक ऐसे लगता है कि कोई प्रॉपर चाइनीज़ शेफ़ है जिसने कुछ बनाया है। तो ये प्लीज़ ऐड किया करें अपने स्पेगेटीज़, अपने पास्ताज में, इसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू सो मच, फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह।